ओम शांति। आज परमात्मा पिता का दिव्य वरदान है, बच्चे सर्व कर्मिंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति से यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। जिस दिन से हम सब ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान लेते ही परमात्मा के द्वारा दो वरदान हर बच्चे को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य बुद्धि समर्थ बुद्धि का वरदान मिलता है, एक दिव्य नेत्र का वरदान मिलता है। जितना हम इस बुद्धि को दिव्य बनाते जाते हैं, वरदान तो परमात्मा ने दे दिया, लेकिन उस वरदान को जितना हम यूज करते हैं, कार्य में लगाते हैं, उतना हम समर्थ आत्मा बनते जाते हैं, अन्य आत्माओं को सहायता मदद कर सकते हैं, सहायक बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को इस वरदान को प्रयोग में लाने की विधि बता रहे हैं कि बच्चे समय अनुसार अब इस वरदान को यूज करो, ताकि कमजोर आत्माएँ जो आपके सामने आ रही हैं वो भी शक्तिशाली बन जाएँ। तो आपके पास अगर दिव्य बुद्धि का वरदान है, दिव्य नेत्र का वरदान है, क्योंकि दिव्य नेत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को समझ सकते हो, परख सकते हो कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे नेत्र से कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे ही जितना दिव्य नेत्र अर्थात अनुभव का नेत्र हमारे पास होगा, उतना हम अनुभवी मूर्त होकर के किसी भी आत्मा को संतुष्ट कर सकेंगे, प्रसन्न कर सकेंगे, और इस वरदान के द्वारा हम सफलता मूर्त बन सकेंगे। ओम शांति। तेरी